बहनी पूनम, हमें तुझसे एक ही बात पूछे बाटे हो, और सच सच बताऊ। कहो, तुम्हार कोनो बहन वहीन आई बाटिन का? तू अपने कोनो बहन वहीन के बुलाए बाटू का? अभी हम गए रहे मंदिर, मंदिर से आवत रहली, एक लड़की पर्स टांग के, एक बिट्टा कपड़ा पहन के खूब मटकत के आवत रही। हम उसे पूछ लिए, कहो बहनी तू किसरे घरे के बाऊ? तो हमें कुछ बोल बहना की आइट से चल गई। बतावा बहनी पूनम, कौन तुहार बहन वहीन ना बहन कहा कौनो? बतावा। अरे मोहनी चाची जी, हम आपको कितनी बार बोले हैं कि आप घर से निकला करो तो अपना चश्मा लगा के निकला करो, आप बिना चश्मे के क्यों निकलती है? करे पिंकिया, ते हमें ऐसे बोले थी तो के शर्म ना आवा था। अपने बहन के समझा कि वो ढंग से कपड़ा पहने, अच्छे से कपड़ा पहने तो हम ओके पहचानब मेरे। वो नान के रही तब आल रही तब हम ओके देखे है, और तो हमें बोला थी कि हम चश्मा लगा के चल करी, बुढ़िया समझ के रखे ही का। अरे अरे नहीं चाची जी, हम तो बस आपके भले के लिए बोल रहे थे, लेकिन सॉरी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? आप जाइए घर पे। हाँ हाँ हमें बताओ मत, हम अपने घर में जाए, तोरे घरे रोटी तोड़े नहीं आई, ठीक बाटे? जा अपने बहन के संभाला। ओ हेलो मिस, आप किसी के एड्रेस ढूंढ रही हो क्या? हमें बता दो, हम आपको उनके घर तक छोड़ देंगे। लुच्चे लफंगों के बारे में पहले तो इतने प्यार से बोलेंगे, फिर कहेंगे मैडम आपको लिफ्ट देंगे और ले जाके कहीं सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं। देखिए मैडम, मैं गांव का लड़का सीधा साधा, आपसे इतनी शराफत से पेश आ रहा हूँ, आप ऐसे बोल रही हैं? ठीक है, जाइए आप यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक एड्रेस पूछना है। हाँ हाँ बोला ना मैडम, कौन एड्रेस तुम्हें जाने को? तू तो बड़ी सुंदर बानू हो।